देखिए, एक युग का अंत हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के शिखर पुरुष जो वीरभद्र सिंह जी आज नहीं रहे, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, और आज आप इसीलिए जो है पूरा हिमाचल गमगीन है, उदास है, निराश है। और लोगों को लगातार लग रहा था कि वीरभद्र सिंह जी स्वस्थ हो जाएंगे। 1962 में 62 में राजनीति में प्रवेश किया, और 62 से लेके आज दिन तक वो सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में हैं रहे, और अभी भी सिटिंग मेंबर थे हाउस के। और 62 से लेके आज दिन तक वो किसी न किसी हाउस के मेंबर रहे, चाहे वो लोकसभा थी, चाहे वो विधानसभा थी, और 12 के आसपास उन्होंने चुनाव जीते। और जवाहरलाल नेहरू जी के युग से लेके आज दिन तक वो प्रासंगिक बने रहे राजनीति में। इतने अरसा तक कोई भी प्रासंगिक नहीं रहा। चुनाव भी अलग अलग जगह से लड़े, महासू लोकसभा से लड़े, मंडी लोकसभा से लड़े, जुब्बल कोटखाई से विधानसभा का चुनाव जीता, रोडू से विधानसभा विधायक रहे, शिमला ग्रामीण से विधायक रहे, अब अर्की से विधायक थे। तो एक ऐसी दुर्लभ पर्सनैलिटी जिन्होंने जहां से भी लड़ा वहीं से चुनाव जीता। और सबसे बड़ी बात है कि आप सुनते थे उनके लिए राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है। ये उनके शख्सियत को जो है हमेशा से बुलंद करता रहा नारा शेर हिमाचल। और राजनीति के बट वृक्ष के तौर पे हम उनको देखते हैं, पहाड़ी प्रदेश के पर्वत की तरह मजबूत इरादों वाले नेता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल उनमें बहुत थी। फाइल पे नोटिंग का लोहा जो है, ब्यूरोक्रेसी ने उनका माना कि वीरभद्र सिंह जी जब लिखते हैं, और फाइटर थे सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए जो है आज दिन तक राजनीतिक विकेट पे टिके रहे। और आज मैं देख रहा हूँ पूरे राष्ट्र के नेता जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और पूरे जगत में जो है उनकी चर्चा हो रही है। और उन्होंने बहुत बड़ा विकास किया, हिमाचल के चप्पे चप्पे पे उनका विकास अंकित है। विकास और कल्याण की राजनीति की, गरीब की सेवा की, गरीब को जब भी देखा, और गरीब का अगर एक आंसू गिरा है तो बतौर नेता उनका भी आंसू साथ में छलकता रहा। और मानवता के जो पुजारी के तौर पे उनको हम देखते हैं, विकास के मसीहा रहे, कितने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, और एक बच्चे के लिए भी उन्होंने स्कूल खोला। उनका मानना था कि अगर एक हिमाचली भी बिना पढ़े रह गया तब भी जो है ये हम गुनाहगार होंगे। तो इसलिए उन्होंने दूर दराज दुर्गम इलाकों में एक एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला, कॉलेजेस खोले, स्वास्थ्य संस्थानों का बहुत बड़ा उन्होंने पूरा दूर 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 तक स्थापित किया, और सड़कों का, और हर गांव तक लगभग वो पैदल गए थे, और आम व्यक्ति से मिलते थे, मिलने और आम आदमी से मिलना ही उनकी खुराक थी। और जितना प्यार मोहब्बत उन्होंने हमें दिया, हालांकि खुद वो कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन वो राजनीति में आए। हम जैसे बहुत लोगों को राजनीति में लेके आए, बहुत MLA बनाए, बहुत मंत्री बनाए, इस घर से जो भी आया खाली नहीं गया। तो आज बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल की राजनीति के लिए और हिमाचल की जनता के लिए।